आर सोनी न्यूज खबर आपको। नवरात्रों के पहले दिन ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के अयोध्या की श्री राम की कुल देवी माँ बाड़ी देवी काली के माँ के जयकारों के साथ देख रहे हैं कि जहाँ पर इस मंदिर के अंदर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई। सभी भक्त माँ जगत जगनी से अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए अर्जी लगाकर संतुष्ट हो रहे हैं। उनको विश्वास है कि माँ उनकी मुरादों को जरूर पूरा करेगी। आपको बता दें, बड़ी देवी काली का महत्व भी अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है कि श्वेत युग में भगवान राम के जन्म के बाद माता कौशल्या राम व सभी अन्य भाइयों को लेकर माँ का दर्शन करने आई थी। और आप देख सकते हैं कि नवरात्रों के पहले दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर आए हुए भक्तों ने क्या कहा। आप देख रहे हैं प्रभाकर चौरसिया की खास रिपोर्ट। सब लोग श्रद्धा विश्वास से आते हैं मंदिर में, हर लोग विश्वास रहता है, सबकी देवी का मनोकामना पूरी रहती है, इसलिए हम लोग अच्छे से नवरात्र मनाते हैं। भगवान की कृपा से इनके शरण में आते हैं, बस इसीलिए हमेशा सर झुकता है, भगवान सबकी कृपा करें, हम लोग भी कृपा बनाए रहते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग मंदिर आए, सबसे खुशी की बात। मेरा सुनाया शुक्ला का बहुत ही अच्छा दिन है, नवरात्र का स्टार्टिंग है हमारे यहाँ इस मंदिर में, बहुत ही अच्छा लगता है। हम पूजा करने आए हैं, डेली पूजा करने आते हैं और हनुमान जी को भी दर्शन करने जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। मेरा नाम शांति है। करते हैं, अच्छा लगता है यहाँ आने में, शांति मिलता है मन को। आज कौन सा दिन है और पहले दिन आप आई हुई हैं यहाँ, किस मंदिर में आई हैं, क्या कर रही हैं? ये श्री राम जी का मतलब कुल देवी हैं और मंदिर हैं माता का। किस तरह से मनाती हैं नवरात्र? अच्छे से मिलाते हैं। अभिमन्यु। क्या है आज और कैसे आज नवरात्र का? आज नवरात्र का पहला दिन है, यहाँ पर मतलब चारों तरफ पंडाल बज रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी पूजा होती है और हर जगह जो है मतलब पंडाल और दुर्गा पूजा लगा रहता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अच्छा पंडाल यहीं पे लगता है, सुल्तानपुर में भी लगता है, लेकिन सुल्तानपुर में बाद में लगता है। इस समय बहुत अच्छा यहाँ चल रहा है दुर्गा पूजा। अब आने वाले अष्टमी नवमी में बहुत अच्छे धूमधाम से पूजा की जाएगी। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु।